बारे लातन वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद इज्जत वजमत मेरे भाई जानदा पुर खलूस एहतमाम अपनी बारगाह शर्फ कबूल फरमा। मेरे इंतहाए वाजिबुल मकाम सादातुल मोमिनीन बैठो बेटे सारे दिए मुसल्ला इबादत सजदा जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद खालिक अपनी पाक बारगाह मालिक शर्फ कबूल फरमा। मालिक जिक्र पाक दा सदका बानिया ने मजलिस दे रिज़्क माल जाने इस वक्ता जमाल का ज़ाफ़िया अता फरमाया। बिलखसूस बानिया ने मजलिस हाजरी ने मजलिस दे जितने भी मरहूमीन दारे फानी तो रहलत करके ने मालिक सब दे दर्जात बुलंद फरमाया। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते मिलके एक सोहनी सलवात पढ़ लो मोहम्मद किबला को जाकरी दावा नहीं कोई इल्मी हैसियत भी नहीं मैं बानियान की हैसियत ना बल्कि मेरी हमशीरा का घर है तो मैं ननकाने पड़े हाँ पहले तो खान साहब भी थोड़ी देर तक आ रहे हैं तो थोड़ा जा जनाब ने सबक सुना वा अगर महसूस ना फरमाओ थोड़ा जा माहौल बना लो जरा करीब करीब हो जाओ मेहरबानी भजन थोड़ा जा गया मेहरबानी और यकीनन इज्जत मां पाली जनाब किबला खान साहब हसन सादिक साहब वो तशरीफ लेके आ रहे हैं हो सकता है अपनी मजलिस के दौरान ही 10-15 मिनट के ही तशरीफ ले आओ तो थोड़ा जहा बस जनाब नू ज्यादा देर जहमत नहीं देनी आज जो दोस्त साहब पिछले खलोते ने मैं ना के भी अर्ज करांगा कि अगर मेरी आवाज़ तुहाडे तक जा रही है इस जिक्र च आना एक मकसद है मालिक की कस्मे बहुत अजीम इबादत है जिक्र मजलूम करबला किबला हर कोई बंदा जिक्र आ भी नहीं सकता हर कोई बंदा जिक्र करवा भी नहीं सकता जिन्हें ते अल्लाह आले मोहम्मद का करम होंगे ना उही जिक्र च आते हैं तो उही जिक्र सुनते हैं। मेहरबानी जनाब बड़ी दूरों घर चल के आए हैं अपना वक्त वक्त करके अपना टाइम जाया करके तो जेडे दोस्त अहबाब मेरी बार भी आवाज़ सुन रहे हैं ना बराए मेहरबानी फर्श आजाद तशरीफ ले आओ थोड़ा जा जनाब को सबक सुनाइए इजाजत है तमाम दोस्तों बुजुर्ग भाइयों किबला को जाकरी दावा भी नहीं कोई इल्मी हैसियत भी नहीं तो पहले भी अर्ज कर चुके हैं मेरी हमशीरा का घर है मेरा वेड़ा है तो जाकर खतीब बन के तुहाडे को हाजिर नहीं होया बिल्कुल अपना घर का फर्द होने के नाते थोड़ा जा जनाब को सबक सुना चाहना तुम मिलकर जरा नारे जरा मेरे ना बुलंद आवाज ना लाने नारा तकबीर माशाल्लाह काफी हजरात तशरीफ फरमाओ और आले मोहम्मद के खालिक दा बहुत बुलंद दा बुलंद आवाज ना नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत कुल ईमान नारे मालिक सलामत रखे मेरे सलार साहब तशरीफ ले आए सलार साहब तुहाड़ियां जुत्तियां दा सदका ही है सारा मैं हाई साहब नूं भी शुक्रिया अदा कीता सी फिर भी तुहाडा शुक्रिया अदा करदा हां मजलिस च तशरीफ ले आयो मेरे को बड़ी सोहणी तुसीं रूहानी है खान साहब बस आ रहे ने तमहीदन थोड़ा जिहा सबक जाकर जुकर में हा कोई नहीं मलंग फकीर जिहा बंदा थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ कौडू साहब का हुक्म मेहरबानी कौडू साहब का हुक्म है जिन्हां दे मोटरसाइकिल खलोते ने बराए मेहरबानी बाहर लै जाओ क्योंकि बस ड्यूटी हुण शुरू हो गई है तो बस जल्दी जल्दी जी बिस्मिल्लाह जी थोड़ा जाके भजन थोड़ा क्यों मेहरबानी सलार साहब मैं ननकाने पढ़िया मरकज हाँ हूँ तुम्हारी दुआ ना पहले बारगा पढ़िया फिर चौक से भी उन्होंने अलहमदुल्ला उन्होंने आवाम की पुरजोर फरमाइश तो उन्होंने कहा जी तुम चौक भी पढ़ना है अलहमदुल्ला बावजूद खलोता झूठे दिलान
मैं ना अपना नमाज इश्क दी जड़ी उथे रगत अदा की थी ना, मैं का मेरा करोड़ा सलाम उन अहले सुन्नत दोस्तों के उत्ते जिन्होंने परसों वाले दिन चेलम वाले दिन सबील का अहतमाम किया। मालिक की कसम मैं भी अर्ज कर चुके हैं, हर कोई बंदा जिक्र च आ भी नहीं सकता, हर कोई बंदा जिक्र करवा भी नहीं सकता भाई जान, जिन्हें अल्लाह आले मुहम्मद का करम होंदा है ना उही ये जिक्र च आंदे ने, उही ये जिक्र करदे ने, उही ये जिक्र करवांदे ने। तो नौकरी दी इत्तदा इस बात तो करना चाहना, जनाब दे अकीदियां दी तर्जमानी करना चाहना कि मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है, मेहरबानी मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट में डाल देता है। अल्लाह करम हों जिक्र आते हैं जिक्र करवाते ने। अच्छा मेरे जुमले ने सरकार इमाम सादिक आले मुहम्मद मानने वाला हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में अपना वक्त वक्फ करता है, जो हमारा मोमन भाईजान जो हमसे प्यार करने वाला जो हमसे मोहब्बत करने वाला हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में अपना वक्त वक्फ करता है, हम वो वक्त उनकी जिंदगी में नहीं रखते। और जवान अल्हम्दुलिल्लाह मालिका का जिम्मेदार बात करने का आदि हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत मुकद्दसा ते गया और हर जी मैं दुआ भी होंगी है कि मेरे मालिक जी अक इमाम हुसैन बादशाह के गम च रोंदी है ना, मेरे मौला उन्होंने करबला जरूर लैके जाए। किबला दो मुकाम ने ज़ियारत मुकद्दसा के उत्ते, पहला मुकाम करबला मुअल्ला बागे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ पाके मैं अज़ादारां दी और तुहाडी मातमियां दी फजीलत का जुमला अर्ज करना चाहता। पहला मुकाम है बागे इमाम सादिक आले मुहम्मद, वह भी जरिए इमाम हुसैन बादशाह तो थोड़ा साइड दे। भाई साहब दूसरा मुकाम है वादी सलाम के उत्ते खूह है जनाब इमाम सादिक आले मुहम्मद के नाम तो सलाह साहब, वह भी मुकाम का थोड़ा जहा जरिए तो हटके अली बिन यकीन है सहाबी इमाम इमाम सादिक आले मुहम्मद वो कदम के हथ ला के अर्ज करता मौला तुम इतनी दूरों सफर करके आते हो मदीने तो चल के आते हो मौला तुम हरम से तशरीफ फरमा नहीं होंगे, मौला तुम हरम तो थोड़ा साइड से तशरीफ फरमा होंगे हो, मौला तुम वक्त इमाम हो तुम हुज्जे तो इमाम हुसैन के बेटे हो, मौला तुम हरम से तशरीफ फरमा नहीं होंगे, मौला हरम तो थोड़ा साइड से तशरीफ फरमा होंगे हो, तो सरकार सादिक आले मुहम्मद हुसैन फरमाते हैं मुझे इतना हुसैन के बेटे होने पर मान नहीं है जितना हुसैन के अल्लाह काम ही दो करता है, एक मोहम्मद वाले मोहम्मद दरूद पढ़ता है, दूसरा इन्होंने दुश्मन से लानत करता है। मालिक की कसम वीडियो बन रही है, मेरा करोड़ा सलाम उन्होंने अहले सुन्नत दोस्तों के उत्ते और अहले मुहब्बत वाले नाल कि जिन्होंने चेलम इमाम हुसैन बादशाह बड़े जोशो खरोश नाल मनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात के उत्ते पूरी दुनिया के उत्ते जिते जिते भी जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद होया मेरा करोड़ा सलाम है।
इस चीज तो साबित होया इन्ने लोग यजीद के नाम तो जीन तैयार नहीं है जितने साडे अगे हुसैन दे नाम तो मरन तैयार रहे। मेहरबानी जनाब तो कितना मेरा खुदा जिसे औजो कमाल देता है मेरा नजम पढ़ी प्रोफेसर जय सिंह की पढ़ी हुई तो मैं उ अर्ज किया कि मैं क्या तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम इमाम हुसैन बादशाह की मजलस चाहे तो जो मजलस तो बाद ना मैं एक सिख लैके साइड से उन्होंने कहा कि होया हुसैन तो गैरत का सरदार है मैं क्या अच्छा थोड़ा ये कीता तो फिर मैंने इधर इंज लगा कि इमाम हुसैन बादशाह मनण वास्ते बंदे का मुसलमान होना जरूरी नहीं अलबत् इंसान होना जरूरी है। महाराज कोई हो दस मन करी गोली चौदवी इंडिया बहुत बड़ा आजादार है बहुत बड़ी मजलिस शबीर बरपा करांदा है तो बंदे आ गए ओहदे कोल आके अर्ज करन लगे कि जय सिंह तू ही इमाम हुसैन बादशाह की मजलिस क्यों बरपा कराना है तकरीबन सारा इलाका ते तेरे नालों ज्यादा इमाम हुसैन का रिश्तेदार है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तू तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं पढ़ता। उस जिहड़ी गल कीती ना प्रोफेसर जय सिंह ने वह कहिंदा ने कि हर इज्जतदार घर दे विच चार रिश्ते बिल्कुल वेखण नूं इक जैसे लगते हैं। प्रोफेसर जय सिंह कहिंदा हर इज्जतदार घर दे विच चार रिश्ते वेखण नूं बिल्कुल इक जैसे लगते हैं। वह साथे एक मेरी माँ है एक मेरी भैन है एक मेरी धी है एक साड़ी बीवी है और चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम और हिंदू नाम पूछो मैं चलता हुसैन का। वीडियो वाले जरा इधर भी मेरे भरावां दे जरा क्योंकि ये ताई दे जेडे खुम्मे कदीर च हाथ बुलंद होया ना उसकी सुन्नत अदा कर दे रहे हैं। भारत में गर्व आते तो भगवान कहते हम हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का
दुनिया में सिक्का हुसैन का, भारत में अगर वो आते तो भगवान कहते हम हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, और मजहब की कैद कैसी है जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का, बड़े अहले भी ला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का, अहले भी ला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का, और सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का, सिक्का हुसैन का, भारत में अगर वो आते तो भगवान कहते हम हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, और मजहब की कैद कैसी है जिक्र हुसैन में, हर हक परस्त हो गया शहदा हुसैन का, और अहले बिला तो पढ़ते हैं कलमा रसूल का, हम हिंदुओं ने पढ़ लिया कलमा हुसैन का, सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का, अकीदा देखेगा इसमें नहीं कलाम के हम बुत परस्त है, इसमें नहीं कलाम के हम बुत परस्त है, समंदर फजाइल ना मैं तुहाडे अल भेज रहा, लफ्ज़े बादशाह ना दो हस्तियां नाल ही जचिया है, या अल्लाह बादशाह या हुसैन बादशाह है, फिर सिर से
नमाज खत्म हुई, खुतबा जारी, तमाम सहाबा किराम बारगाह रिसाले जी इकट्ठे हो गए। आगे अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह आज की होया, या रसूल अल्लाह नमाज इतनी लंबी, या रसूल अल्लाह सजदा इतना लंबा। तो नबियां दे सुल्तान जड़ी गल इरशाद फरमाई, बादशाह फरमाते ने मेरे सुल्तान जड़ी गल इरशाद फरमाई, बादशाह फरमाते ने मेरे दूसरे पास आ शेर हो गए, भाई साहब शेर का वजन बहुत ज्यादा है। राहे बड़ी दूर तू आया, उस आके ना पिता बार गए ने साले अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसा इरशाद फरमाओ मेरे नसीब च औलाद है या कोई ना। बादशाह फरमाया तेरे नसीब च औलाद कोई नहीं। हाई साहब रोंदा होया बारगाह रिसालत चो निकलिया, किबला उस गली च आया जिथों तकदीर की शर्मा के लगती है। मेहरबानी बहुत शुक्रिया मालिक की कसम थोड़ा प्यार है। मैं एक बार नहीं कहना पाया कि तुम तवज्जो नहीं की, तुम वेखिया नहीं। मैं ये अर्ज करना कि मेरी औकात नालों ज्यादा पजीरा है। उस गली च आया जिथों तकदीर की शर्मा के लगती है। जनाब सुलेमान फारसी की दीद पई बड़ी दूर तू आया, तुहाडे नबियां दे सुल्तान दी कचहरी मैं उत्थे आके अर्ज कीती कि या रसूल अल्लाह तुसीं इरशाद फरमाओ मेरे नसीब च औलाद है या कोई ना। तो बादशाह फरमाया तेरे नसीब च औलाद कोई नहीं। जनाब सुलेमान फारसी उसने जिनक देख के आखिर पागल तू औलाद पूछिए मंगी तो कोई ना, तू औलाद पूछिए मंगी तो कोई ना, चला मैं तेन उनके बूहे ते लै जावा जरा किसी ने परेशान नहीं देख सकता। अगे गई इमाम हुसैन बादशाह, पिछे पिछे जनाब सुलेमान फारसी, पिछे पिछे राहे। जो मस्जिद नबी च दाखिल हुए ना भाई जान, अल हुसैन मिनी वा अना मिन अल हुसैन दी मिसाल हस्ती नूं वेख के ना नबियां दा सुल्तान मेहराबे मिंबर तों उठ के खड़े हो गए। मौला दी कसम जदों इह मंजर राहे वेख्या मैं क्या औलाद मिले भावे ना मिले, इसे गल दा बड़ा नशा दुनिया ते मैं किसी से तौर ते ना लैंदा। इमाम हुसैन बादशाह इरशाद फरमांदे नबियां दा सुल्तान नाना बे मिसाल बे मिसाल ना 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 राहे बड़ी दूर तो आया नाना औलाद दा तलबगार। बादशाह फरमाया हुसैन तुसी मर्जियां दे मालिक हो, तुसा दुआ करो मैं आमीन आखां तां जितने पुत्तर कहोगे उतने दे देंगे। भाई साहब मैं पहले भी अर्ज कीती कि मेरी जिंदगी नालों ज्यादा कीमती शेर है। इमाम हुसैन बादशाह फरमाया नाने दे सदके एक दित्ता, अपने नाने दे सदके दो दित्ते,
अपने नाने दे सदके पांच दिते, अपने नाने दे सदके सात दिते, जो सात आख्या ना तो राहिब ने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा मौला बस बस जनाबे सुलेमान फारसी राहिब का हाथ पकड़ के जड़ी गल की मैं जनाब नूं शेर च दसना चाहना। जनाबे सुलेमान फरमाते ने बस I'm sorry.
सारा शाम रहा सुना के